गदर 2 की सफलता के बाद 50 करोड़ की फीस डिजर्व करते हैं सनी देओल, अनिल शर्मा ने क्यों कहा था ये वाक्य। डायरेक्टर अनिल शर्मा की गदर 2 ने अपनी रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े। मूवी को क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों का खूब प्यार मिला। साल 2023 में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई, जिसने 525.7 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दर्शकों का दिल जीत लिया। सनी देओल, अमीषा पटेल ने तारा सिंह और सकीना की भूमिका दोहराई। हाल ही में मूवी ने अपनी सालगिरह मनाई है। इस दौरान अनिल शर्मा ने खुलासा किया था कि उन्होंने सनी देओल को कहा था कि इस फिल्म की सक्सेस उन्हें स्टारडम दिलाएगी। अनिल शर्मा ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत संग कहा था कि जब मैंने पहली बार सनी सर के साथ गदर 2 पर चर्चा की तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये फिल्म करने की जरूरत है, आप प्रति प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपए चार्ज करने के हकदार हैं और ये फिल्म आपको इसे हासिल करने में मदद करेगी। यही हुआ। मुझे याद है कि उस वक्त गदर 2 का ऐसा क्रेज था कि हमें 3 बजे सुबह के शोज रखने पड़े थे। उन्होंने गदर 2 की सफलता को याद करते हुए कहा, मैंने सुबह 7:30 बजे तो मेरी पत्नी ने थिएटर्स के बाहर का नजारा दिखाया, उसकी आंख में पूरी तरह से आंसू थे। ये हमारे लिए काफी इमोशनल पल था। सनी सर वास्तव में इसके हकदार थे क्योंकि वो हमेशा सुपरस्टार रहे हैं। हाल ही में स्टारडम को अक्सर बॉक्स ऑफिस नंबरों से आंका जाता है। मैं इसके लिए लोगों को दोष नहीं देता, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी मेरे अलावा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गदर 2 इतनी बड़ी हिट होगी। सनी देओल फिलहाल अपनी अगली फिल्म लाहौर 1947 को लेकर बिजी हैं। फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है, जिसमें शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी भी हैं। ये प्रोजेक्ट आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी की ओर से समर्थित है। कुछ महीने पहले प्रीति जिंटा ने लाहौर 19। इसी के साथ दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि गदर 2 जो है इसको अपार सफलता मिली, फिल्म को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। एक्चुअली में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये फिल्म इतना कमाई करेगी, पर इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की, ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया। सो दोस्तों आपको बता देते हैं कि गदर 2 के बाद अब सनी देओल अपनी कई अपकमिंग मूवीज लेकर आ रहे हैं, जिनका हम सभी को इंतजार रहेगा। गदर 2 से हम सभी को काफी उम्मीदें थी और फिल्म अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी और अब इसके तीसरे पार्ट का भी सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर दोस्तों, गदर 3 और सनी की अपकमिंग फिल्मों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।